के में हमने फोर शेप्स पढ़ लिया है। फोर शेप्स कौन से पढ़े हैं हमने? एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। स्क्वायर चारों तरफ से क्या होता है? इक्वल होता है। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इसके फोर साइड्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड शेप हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी फोर साइड्स होते हैं, इसके आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं। तीसरा शेप था हमारा ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल। ट्राइंगल के देखिए कितने साइड्स होते हैं, 1, 2, 3। आर ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। और हमने पढ़ा था सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। सर्कल मीन्स राउंड, गोल, गोलाकार, इसे हम लोग कहते हैं सर्कल। चलिए आज हम लोग इन फोर शेप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं और देखते हैं कि हमें खूब अच्छे से शेप्स याद हुए हैं या नहीं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग मीन्स नीचे, नीचे लिखे क्वेश्चंस के, प्रश्नों के उत्तर दें, ये आपको ओरली याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द शेप ऑफ द सन? सन मीन्स सूरज। सूरज का शेप क्या है? सर्कल, गोल है ना वो, तो हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ ए डोर एंड टेबल? आपके घर में डोर भी है, दरवाजा भी है और टेबल भी है, उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ स्क्वायर? एक स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? अभी हमने देखा स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारा आंसर होगा 4। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ स्क्वायर? 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्राइंगल? ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? चलिए देखते हैं एक बार फिर से। ट्राइंगल के 1, 2 और 3, ये ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, तो आंसर हम लोग क्या बोलेंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शेप ऑफ? अब शेप बताइए, ये क्या है? समोसा। समोसा का शेप क्या होता है? ट्राइंगल। और नीचे देखिए ये क्या है? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का शेप कैसा होता है? स्क्वायर। तो आपको बोलना है समोसा का शेप क्या है? ट्राइंगल। और कैरम बोर्ड का शेप क्या है? स्क्वायर। आप इन क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरह से ओरली याद कर लेंगे और अपने घर में बाकी चीज़ों को भी देखेंगे और उनके शेप को पता करेंगे।